केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट पर विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कहा कि राजनीतिक चश्मे से हटाकर इसे देखें, ये भारत वर्ष की खुशी का बजट है। मैं तो कहूंगा समाज के सभी वर्गों के लिए बजट है, ये खुशी का बजट है और ये दूरदर्शी भी है, पारदर्शी भी है, समावेशी भी है। तो विपक्ष को तो अपने राजनीतिक चश्मे से हटाकर देखना चाहिए, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं कि इस बजट में आज तक का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आउटले 10 लाख करोड़ रुपए का किया गया है वो 33% की वृद्धि है पिछले बजट से। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का आउटले किया गया है जो 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है और आज तक का सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने 3.25 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए, यानी कि 3.25 करोड़ गरीबों को लखपति बनाने का काम किया। तो इस बार भी प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो 66% की वृद्धि है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 20 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट का इसमें प्रावधान है, जहां पर हमारे पशुपालक, डेयरी और हमारे मत्स्य पालन वालों को इसमें लाभ मिलेगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने TV9 भारत वर्ष से खास बातचीत में कहा कि जिस तरह से महिला वित्त मंत्री ने देश की महिलाओं का ख्याल रखा है वो स्वावलंबन की नई ऊंचाइयों को छुएगा। महिलाओं के लिए कैसे देखते हैं आप ये बजट? देखिए, महिलाओं के लिए जो महिला सम्मान बचत पत्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 लाख रुपए तक आपको बचत पत्र मिलेंगे, 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट उस पर मिलेगा। आप देखिए इसमें करोड़ों महिलाएं जुड़ने वाली हैं। इसके अलावा जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसमें भी 80 लाख ऐसे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की 9 करोड़ महिलाओं को मार्केट लिंकेज कैसे मिले, उनके प्रोडक्ट में सुधार कैसे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर उनके प्रोडक्ट्स को भी देश के कोने कोने में और विदेशों में भेजने का काम कैसे हो। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया है, उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा जिससे करोड़ों महिलाओं को लाभ मिलेगा। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े उठाकर देखेंगे, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज पहला वर्ष शायद ऐसा होगा जहां पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। और अगर मैं इसमें एक और आपसे बात कहूं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया गया है, रोजगार से लेकर 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।